So now we will learn diagram of nephron. This is the most important diagram, and with that working of the human excretory system. First, I'll be drawing Bowman's capsule. So you don't need to do anything. Just draw a tubule. एंड जो हम झाड़ पत्तियों की जो टहनियां ड्रॉ कर रहे हैं वही ड्रॉ करेंगे. दिस इज बेसिकली वन ऑफ द इजीएस्ट डायग्राम. अब इसके बाद इसी के साथ टिब्यूल को हमें कंप्लीट भी करना है, तो ये हम टिब्यूल को कंप्लीट कर रहे हैं. सो बेसिकली दिस इज हाउ द बेसिक स्ट्रक्चर शुड बी. अब इसमें आपको ड्रॉ करना है ग्लोमेरुलस. तो ग्लोमेरुलस में हम पहले ऐसा कप शेप ड्रॉ करेंगे, इसके बाद एक छोटा सा कर्व दे देंगे और इसके अंदर आप कुछ भी ऐसा कर सकते हो. इट शुड बेसिकली लुक डार्क. इट इज बेसिकली कंप्राइजिंग ऑफ मेनी ट्यूब्यूल्स इंडर्स इन टू इट. अब ये जो ट्यूब्यूल है ना, ये हमारी ब्लड कैपिलरीज है. तो ये इस ट्यूब्यूल के आगे पीछे रोटेट होंगी. तो ये देखिए, यहां से लेना है. अब इसे आप रोटेट कीजिए, बट डोंट डू इट मोर कि आप ही कंफ्यूज हो जाओ फिर कहां से कहां जाना है. ठीक है, ये देखो, और ये यहां से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया. तो बेसिकली योर डायग्राम शुड अपियर लाइक दिस. ठीक है, अब ये क्या है? मैंने यहां पे लिखा है नेफ्रॉन और इसका वर्किंग भी मुझे समझाना है. तो देखिए, दिस इज यहां से डर्टी ब्लड आएगा, और डर्टी ब्लड आएगा, दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस. इसे हम कहेंगे बोमेंस कैप्सूल. इसे हम कहेंगे टिब्यूल. इसे हम कहेंगे ब्लड कैपिलरीज. अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो यू पोर्शन है ये वाला जी, इस यू को ध्यान में रखना. मैं जब आपको थियोरी आप जब सुना होगा आपने, तो इसको मैंने एक टर्म दिया है. ठीक है, अब ये जो है ना जंक्शन, यहां से हमारी क्लीन ब्लड निकलेगी. यहां से निकलेगा सम वाटर, सम सॉल्ट्स एंड यूरिया. किस में? सॉरी, यूरिन में. और यहां से भी बाहर आएगा यूरिन, यहां से आएगा
यूरिन फ्रॉम टिब्यूल्स। तो देखिए,